नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी और चौथी दुनिया में आपका स्वागत है। हम जिस सीरीज को चला रहे हैं वो सीरीज इतनी महत्वपूर्ण हो जाएगी हमें नहीं पता था। बहुत से लोग इसे देख रहे हैं और देख करके अपने ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं। आई शुड से लाइक दिस। आज हमारे साथ ग्रेट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की श्रेणी में सचमुच ग्रेट जर्नलिस्ट जिन्हें हम कह सकते हैं आर राजगोपालन जी हैं। आर राजगोपालन जी को हमने इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत को जानते ही नहीं हैं। जैसे बहुत सारे नेताओं का स्टेट या देश उनका सिर्फ चुनाव क्षेत्र या उनका गृह जनपद है, उसी तरीके से उत्तर भारत के अधिकांश जर्नलिस्टों के लिए देश सिर्फ उत्तर भारत के 5 या 6 राज्य हैं मैक्सिमम। कुछ राजधानियां हैं, बेंगलोर है, हैदराबाद है, लेकिन वहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वहां की राजनीति क्या है, वहां का डेवलपमेंट क्या है, वहां का जर्नलिज्म कैसा है, ये हम उत्तर भारत के लोग नहीं जानते। और अगर कोई कहे कि मैं जानता हूं तो मुझे लगता है कि वो अर्ध सत्य कह रहा है, क्योंकि जितने उत्तर भारत के जर्नलिस्ट से मैंने बात की वो दक्षिण भारत के बारे में लगभग शून्य है। और दक्षिण भारत की राजनीति, दक्षिण भारत की पत्रकारिता, दक्षिण भारत की समस्याओं को जाने बिना हम अपने को कैसे भारत का नागरिक कह सकते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। इसीलिए आज हमने आर राजगोपालन जी को बुलाया है और मैंने यही उनके परिचय में लिखा है कि हम आज कोशिश करेंगे उनसे भले ही 2 मिनट ज्यादा हो जाए प्रोग्राम से, 5 मिनट, लेकिन पूरे दक्षिण भारत को जानने की कोशिश हम आर राजगोपालन जी से करेंगे। सर आपका स्वागत है। प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। तो सब बात की शुरुआत हम करेंगे आर राजगोपालन जी आपकी अपनी एनालिसिस से कि एक शख्स है जिसका नाम आर राजगोपालन है, जो पत्रकारिता में उस मुकाम पे पहुंचा कि लोग उसकी बात सुनते हैं, उससे सलाह मांगते हैं, वो एक अपर स्टेटा में जर्नलिज्म के पहुंच गया है, लेकिन उसकी अपनी जर्नलिज्म की जर्नी और खुद की जर्नी को वो कैसे देखता है, वो कितने शॉर्ट में अपने को एनालाइज कर सकता है, ये देखना है। क्योंकि हम और आप सब जो पत्रकारिता से जुड़े हैं जानते हैं कि टेलीविजन में कितने मिनट की क्या प्राइस है और लिखने में कितनी लाइन की क्या प्राइस है। राजगोपालन जी आपसे आग्रह है कि आप अपने बारे में शुरू करें, फिर हम सवाल जो मेरे दिमाग में आते हैं उनको पूछ करके मैं आपसे अपनी शंकाओं का समाधान करूंगा और ज्ञान का वर्धन करूंगा। नमस्कार, मैं आर राजगोपालन हूँ। मैं एक वरिष्ठ पत्रकार का रूप में सोमनाथ चटर्जी साहब तब स्पीकर थे, उस टाइम पर लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश सर्विस का ये एक वो जो आइडेंटिटी दिए थे, क्योंकि मैंने संतोष जी तब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उस टाइम से मैं पार्लियामेंट कवर करते आ रहा हूँ। कम से कम मेरा अनुभव है 40 इयर्स है, 40 साल से है। मैं इसका वर्णन का मैं संतोष का भारतीय साहब से मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ। मैं खुद अपना डोल नहीं बजाना चाहते हैं क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है एक पत्रकार रूप में, लेकिन मुझे ये गर्व होते हैं संतोष जी, मुझे इतना जो पत्रकारिता है, जैसे रामनाथ गोयनका से मैं शुरू किया था एट द एज ऑफ 23 24 में। मेरा पिताजी सी राजगोपाल आचार्य गवर्नर जनरल के साथ कैंप क्लर्क थे, उस टाइम पर पर्सनल असिस्टेंट को कैंप क्लर्क बोलते थे। मैं कह रहे वो जो 50 55 56 47 ऐसे मेरा पिताजी का याद है। मैं 51 में पैदा हुआ, 1951 में, मेरा उम्र 68 है, लेकिन मेरा ग्रैंडफादर ये सदान जो तमिलनाडु में चेन्नई में बहुत आर्य समाजिस्ट था। आर्य समाज मतलब तमिलनाडु में जाकर के एक वैष्णव ब्राह्मीन पत्रकारिता किए थे, धार्मिक हिंदू करके एक न्यूज़पेपर चलाते थे वीकली। मैं कह रहे 1926 1927 28 30 ऐसे 100 साल पहले। तो आ गए जी। जो टोटली 100 साल मेरा परिवार पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, राजनीति से जुड़ा हुआ है। मेरा एक एक खून का जो सेल है वो सिर्फ पॉलिटिक्स ही बोलते हैं। आपको पता है, आप हम दोनों
आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मैं आपको सेंट्रल हॉल में मिलते थे संतोष जी। चौधरी साहब का, देवीलाल का मैं वर्णन करना चाहते हैं, प्लस चौधरी चरण सिंह का वर्णन करना चाहते हैं, मोरारजी भाई देसाई का वर्णन करना चाहते हैं, उन लोगों से मैं पत्रकारिता शुरू किया है ऐसे यंग जर्नलिस्ट, जो उसको उंगली पकड़ करके रामनाथ गोयनका साहब ने मुझे बड़ा किया है। सब लोगों को नहीं पता है जो नॉर्थ इंडियंस का, रामनाथ गोयनका एक मारवाड़ी थे लेकिन अच्छा तमिल बोलते थे। तमिल में चेन्नई में जाकर के इंडियन एक्सप्रेस 1975 में, तब इमरजेंसी का था, आपातकालीन टाइम पर चेन्नई से वो ऑपरेट करते थे। मैं चेन्नई से दिल्ली बुलाया है, फिर मैं भानु प्रताप सिंह साहब करके एक चौधरी चरण सिंह का राइट हैंड मैन थे, उनके साथ में उनकी मंत्रिमंडल में 1977 में मैं कम से कम 3 साल सरकार में थे। मैं IAS में पास हो गया, फिर इंटरव्यू में फेल हो गया, फिर मैं पत्रकारिता का अपना लिया है। तो 1980 से मेरा पत्रकारिता का जो दौड़ है वो शुरू किया है, लेकिन मुझे गौरव है ये कहने में, मुझे बहुत बहुत बड़े लोगों का, हेमवती नंदन बहुगुणा, बाबू जगजीवन राम, अब्दुल रहमान अंतदे, फखरुद्दीन अली अहमद, कितना कितना नाम बता देंगे मैं आपको, इसको जो मैं वर्णन करने में जो फेसबुक नहीं है, जो कम से कम 1000 पन्ने लिख सकते हैं। ये मेरा जो वर्णन है पत्रकारिता में, मेरा ऊपर 2 CBI केस है। 1991 में राजीव गांधी का जो असैसिनेशन हत्या हुआ है, उस टाइम पर मैं दिनमणि करके एक तमिल अखबार में दिल्ली में सब एडिटर, सब एसोसिएट एडिटर, एडिटर, इतना इतना रूप में मैं सीडी में ऊपर चढ़ा था। उस टाइम से 1991 से 1996 तक जस्टिस M.C. जैन कमीशन ऑफ एंक्वायरी थे, उन्होंने एक किताब जो रिपोर्ट दिया है जैसे कॉन्स्पिरेसी एंगल, उसको ऊपर जो क्या पीछे था टेररिस्ट एंगल LTT के ऊपर, मैं तमिल है, तमिल को बारे में भी अच्छी तरफ से मैं तमिलनाडु पॉलिटिक्स जानते थे उस टाइम पर, LTT से प्रभाकरन को मैं अच्छी तरह से संपर्क में थे। उसको बैकग्राउंड में जैन कमीशन ऑफ एंक्वायरी का जो 108 बार सेशन हुए थे उसको कोर्ट में, उनकी कॉन्स्पिरेसी एंगल का वर्णन करने के लिए किया था उस टाइम पर। वो रिपोर्ट सरकार को सौंपने के पहले मैंने हमारा वार्ता में मैं छाप दिया है, क्योंकि मेरा पत्रकारिता का रूप का स्वाद था वो लेकर के मुझे CBI इंक्वायरी डाला था। उसी टाइम से अभी तक वो CBI इंक्वायरी चलते आ रहे, किधर से वो स्टोरी आया पता नहीं लग रहा किसी को, लेकिन ऐसे में कम से कम 6-10 स्टोरी किया है मेरा जिंदगी में। मेरा साथ जितना भी पत्रकार इसको जो फेसबुक को अभी देख रहे हैं, मैं संतोष भारदिया के साथ जोड़ने में उसपे हम दोनों को देख करके कोई पत्रकार भी देख सकता है जो बिहार से, नहीं तो मध्य प्रदेश से, नहीं तो UP से, आपको हमको दोनों जो मेरा उम्र का आपको उम्र का भी पत्रकार लोग है अभी वो लोग मुझे देख करके स्मरण आता होगा उन लोगों को भी। ये मेरा पीछे बैकग्राउंड है, इससे मैं और डोल नहीं बजाना चाहते, आप क्वेश्चन में जाइएगा। राजगोपालन जी, इन आपने कई सारे हमें सवाल पूछने के लिए दे दिए अपनी बात से, पर वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम आपसे जानना चाहते हैं कि दक्षिण भारत का जर्नलिज्म, दक्षिण भारत का मैं ओवरऑल जानना चाहता हूँ। वैसे तो कर्नाटक का अलग है, आंध्र का अलग है, तेलंगाना का, यहाँ तमिलनाडु का अलग है और केरला का अलग है, पर ओवरऑल साउथ का जर्नलिज्म और नॉर्थ के जर्नलिज्म में बेसिक डिफरेंस आपको क्या नजर आया? एक, और साउथ का जर्नलिज्म खबरों को लेकर के कितना सेंसिटिव है और नेशन को लेकर के कितना सेंसिटिव है? मैं उसको वर्णन करने में बहुत इजी लगेगा मुझे, क्योंकि संतोष जी आप मुझे कम से कम 40 साल से सामने आमने देख रहे हैं। जो नॉर्थ इंडिया से दक्षिण भारत का दूर से देखने में 6 स्टेट्स होते हैं साउथ इंडिया में, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, ये 6। लेकिन 4 भाषा इंपॉर्टेंट भाषा है, 4 भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये 4 भाषा। इस 4 भाषा में कम से कम
40 पत्रकार डेली न्यूज़पेपर तमिल में छापते हैं 10, केरला में मलयालम में छापते हैं 10, कर्नाटका में जो बेंगलुरु से मैसूर से इतना इतना लोग से 10, आगे टोटल 40 न्यूज़पेपर लीडिंग न्यूज़पेपर मेरा जो पत्रकारिता शुरू किया है उस टाइम पर थे। आजकल वो उसको कन्वर्ट करेंगे डिजिटल में, टेलीविजन में कम से कम 20 टेलीविजन तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, आंध्रा में बहुत पॉपुलर है। तो ये पत्रकारिता का बैकग्राउंड है। लेकिन आपको याद होगा संतोष जी, केरला में लिटरेसी रेट 100% है जी, जो पढ़ाई करते हैं 100% है। तमिलनाडु में 85-90% है, आंध्र तेलंगाना में कम से कम 80-75% का है जो टोटल साउथ इंडिया का देखेंगे लिटरेसी लगभग 85-90% में बैठेगा जी। तो वही रूप है, वही रूप है, उसी से ज्ञान पढ़ते हैं। पॉलिटिकल नेचर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है दक्षिण भारत में, लेकिन जो आपको तुलना करोगे बिहार में, यूपी में, नहीं तो मध्य प्रदेश में पत्रकारिता हो है, लेकिन ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में हिंदी उर्दू इसके अलावा नहीं है। लेकिन साउथ इंडिया में संतोष जी कम से कम 4 भाषा में छापते हैं, चारों को जो बोली है लगभग समवेयर नजदीक बैठेगा वो बोली में। लेकिन राजनीतिक अलग अलग है। शुरू में तब मैं पत्रकारिता शुरू किया है, चारों देश में साउथ इंडिया में कांग्रेस रूल करते थे। अभी देखो कांग्रेस सफाई हो गया साउथ इंडिया में। मैं अभी राजनीतिक पर आ रहा हूं, टोटली देखोगे रीजनल पार्टी साउथ इंडिया में कम से कम 8 मेजर रीजनल पार्टी है संतोष जी। उसको इम्पोर्टेंट है जो एनटी रामाराव को तरफ से मैं शुरू करना चाहता हूँ तेलुगु देशम। वो शुरू में तेलुगु देशम एनटी रामाराव ने स्थापना किया था, फिर एमजी रामचंद्रन तमिलनाडु में एडीएमके स्थापना किया है, फिर आंध्र में चन्ना रेड्डी साहब कांग्रेस से दूर हो करके सेपरेट तेलंगाना मांगने लग गया है। मैं कह रहा 70-80 का, 40 साल पुरानी बात मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को याद कराने में मुझे खुशी होते हैं। ये कम से कम 4 भाषा से, 40 डेली न्यूज़पेपर से, 20 टेलीविजन से, लिटरेसी रेट 85% से, पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है। उधर सिनेमा कल्चर बहुत है संतोष जी तमिलनाडु में, आंध्रा में, केरला में उतना नहीं है, कर्नाटका में उतना नहीं है। लेकिन आप मानते जाइएगा एन टी रामाराव 150 फिल्म में एक्टिंग करने के बाद, हम उसको 50 जो 60-70 साल पहुंच गया है, वो राजनीति में आ गया है। जैसे आज रजनीकांत आ रहे तमिलनाडु में, रजनीकांत का भी 70 साल उम्र हो गया है, वो भी 150-180 फिल्म एक्ट किया है। तो जो भी उनको प्रेमी है उसको सेविंग्स बैंक रूट में वो पैसा का इकट्ठा करते हैं सेविंग्स में, लेकिन वो वोट बैंक सेविंग्स में कर दिया है एनटी रामाराव ने। उन्होंने दूरदृष्टि दिया दिशा से राजनीतिक पार्टी करके कांग्रेस को खिलाफ किया है। सो एनटी रामाराव ने वो बीज डाला था एंटी कांग्रेसिज्म इन पूरा साउथ में। उसको पहले 1965-67 उसमें इलेक्शन में तमिलनाडु में फर्स्ट सीए अन्नादुरै द्राविड मुन्नेत्र कळगम डीएमके उसको स्थापना किया है 1967 से आज तक कांग्रेस आया नहीं है उधर। तो ये रूप में नव पत्रकारिता को आ जाइए। कम से कम मैं जानता हूं कोई 25-30 इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट एडिटर्स जो हिंदू में काम किया है, मेरा साथ काम किया है, वो लोग सीढ़ी चढ़ करके एडिटर एडिटर बन गया है। सिमिलरली प्रजावाणी करके एक कर्नाटका में बहुत ही मशहूर पत्रकार है,
आंध्र प्रभा करके आंध्रा में है, केरला में मलयाल मनोरमा मातृभूमि ऐसी ऐसी पत्रकार न्यूज़पेपर छापते हैं जी, उसको बैकग्राउंड है। ये टोटल सर्कुलेशन आप देखोगे चौंक जाओगे संतोष जी। कोरोना को पहले आप देखिए केरला में लिटरेसी रेट इतना ज्यादा है 100% है, वो लोग दुबई में विदेश में रहते हैं तब भी फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया में दुबई से छापने लग गया था मलयाल मनोरमा जी। मलयाल मनोरमा का सर्कुलेशन है 15 लाख कॉपीज, जैसे नॉर्थ इंडिया में दैनिक जागरण दैनिक भास्कर है, मध्य प्रदेश से दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, नवभारत टाइम्स है, हिंदुस्तान है, ऐसे उधर मलयाल मनोरमा है केरला में, तमिलनाडु में दिनमणि है, अच्छा उधर आंध्रा में आ जाइए आंध्र प्रभा है, ई नाडु है। तो ये सारा मिल करके 40 न्यूज़पेपर, स्ट्रॉन्ग रीडरशिप है उसका, पाठक है। ऐसे राजनीति के सुबह सुबह चाया पिएगा एक कप हाथ में, दूसरे हाथ में पेपर रखेगा, पेपर रखे अगले दिन सुबह नहीं उनकी सारा कहानी सारा सुनते थे, लेकिन वो सारा रूप बदल गया है। अभी अभी सुबह टेलीविजन में देखते हैं, आजकल टेलीविजन में 8 बजे रात को देखोगे वो कल सुबह 7 बजे वो छापते हैं, जो स्लोली प्रिंट मीडिया कम होते जा रहे थे, ये वर्णन है। लेकिन आपने 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 नहीं, हाँ आपने आपने एक जी जी पूरा कीजिए। पत्रकारिता में साउथ इंडिया में बहुत वाइब्रेंट बहुत तेज लोग हैं, उसने जो भी राजनीति का जो कवर किया है, मैं राजनीति का अपने मेरा इंट्रोडक्शन में किया है विशेषज्ञ, मुझे ऐसे ये सर्टिफिकेट नहीं मिला सोमनाथ चटर्जी से, क्योंकि आपको पता होगा मेरा बाल ऐसे सफेद हुआ धूप से नहीं हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस से हुआ है। सो कितना एमएलए एमपी का मैं देखा, कम से कम मेरा जिंदगी में कम से कम 5,000 एमपी का देखा होगा, 5,000। राजगोपालन जी यहाँ पर एक जानकारी दीजिए कि जिस तरह नॉर्थ के लोगों के दिमाग को टेलीविजन न्यूज प्रभावित कर रही है, और हर टेलीविजन का अब तक आज ये सुशांत वाला जो केस चल रहा है इसके से पहले हर टेलीविजन का न्यूज चैनल का एक ही एजेंडा था, प्रो गवर्नमेंट और उनकी चीजों को स्ट्रेंथेन करना। साउथ का क्या हाल है, साउथ में भी क्या टेलीविजन चैनल, हालांकि वहां पर पार्टियों से जुड़े बड़े टेलीविजन चैनल हैं पर इंडिपेंडेंट चैनल भी होंगे, वो भी क्या अपने व्यूअर्स के दिमाग को इतना ही इन्फ्लुएंस करते हैं जितना नॉर्थ में करते हैं टेलीविजन चैनल न्यूज चैनल? लगभग लगभग सेम है संतोष जी, लगभग सेम है। मैं रोज कम से कम 4 तमिल टेलीविजन देखता हूँ, 3 मलयालम टेलीविजन देखता हूँ, झलक देखता हूँ सुबह सपोज मान ले 6 बजे से रात को 8 बजे के बीच में, जो रिमोट रख करके तमिल चैनल में 4 इम्पोर्टेंट चैनल है, वो एक डीएमके को बोलेगा, दूसरा एडीएमके को बोलेगा, तीसरा वामपंथी को बोलेगा, ऐसे ऐसे है। लेकिन केरला में वामपंथी का टेलीविजन एक अपना टेलीविजन भी किया है, हर पॉलिटिकल पार्टी एक एक टेलीविजन पकड़ करके रखा है। जो न्यूट्रल है तमिलनाडु में कम है, केरला में कम है, न्यूट्रलिटी है नहीं है तमिलनाडु में। आप डीएमके के पक्ष देखना है एक चैनल देख लो, एडीएमके जयललिता को देखना हो एक देख लो, रजनीकांत को देखना, ऐसे ऐसे बांटा हुआ है। जैसे आपने कहा लोग सरकार सरकार को समर्थन तो करते हैं क्योंकि उधर से एडवर्टाइजमेंट मिलना है, बाकी लोग से एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलती है। सेकेंड सरकार को खिलाफ नहीं जाएगा क्योंकि जो पब्लिक वोटिंग है सरकार को सत्ता में है पक्ष में है, इसीलिए उनके खिलाफ तो स्टोरी आते रहते हैं, लेकिन मोस्टली क्राइम स्टोरीज को पीछे पड़ते हैं तमिलनाडु केरला आंध्रा में। इसका मतलब ये मुझे बताइए राजगोपालन जी, जो सवाल मेरे दिमाग में आया कि अगर कोई पैसे वाला हो, जैसे हम किसका नाम लें अपने देश में, चलिए वही बड़े नाम लेते हैं, अडानी साहब का, अंबानी साहब का, इन सब का नाम लेते हैं,
अगर ये लोग 5,000 करोड़ डाल दें टेलीविजन चैनलों के विज्ञापन में, तो वो पूरे देश को एक नई तरह की, जिसको भी वो चाहते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में लोगों का दिमाग कर सकते हैं। अभी तो 2014 के बाद वो खेल नहीं चलती है इंडिया में, उसको पहले चलते थे। 2014 में जो आक्रोश में नरेंद्र मोदी को 285 सीट दिया है, जितना भी उल्टा पुल्टा करना चाहते थे मोटे व्यापारी लोग, वो फेल हो गया है। वो तमिलनाडु में नहीं चलेगा, क्योंकि आम आदमी के बीच में आक्रोश है ना जी। संतोष जी, आपने भी लोकसभा कंटेस्ट किया होगा, एक बार किए थे, दो बार किए थे, आपको जो पब्लिक का पल्स तो पता होगा, जो नाड़ी पकड़ते हैं आपने, लेकिन व्यापारी लोग कभी हाथ नहीं लगा सकते। पब्लिक का स्ट्रेंथ है ना जी इंडिया में, जो डेमोक्रेसी का स्ट्रांग है। मेरा मेरा सवाल इससे जुड़ा था। आपने कहा कि टेलीविजन न्यूज़ चैनल जिस तरह उत्तर भारत में व्यूअर्स के माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, मैंने उस पर सवाल पूछा कि क्या इसी तरीके से साउथ में भी करते हैं, जिसमें जो मैं समझा आपने आंसर दिया, यस साउथ में भी ऐसा ही करते हैं। तब लोग हाँ जो वोट देते हैं, जो लोग वोट देते हैं वो किस बेसिस के ऊपर किसी को वोट देते हैं, डीएमके या एआईडीएमके को नंबर 1? क्योंकि दोनों ही, या जितने भी चैनल हैं, मैं तमिलनाडु का एग्जाम्पल लेता हूँ, जितने भी चैनल हैं वो अपनी अपनी बात स्ट्रांगली कहते होंगे, लोगों के सामने रखते होंगे, लोग फिर डिसाइड कैसे करते हैं कि एक पार्टी को देना है, कांग्रेस को नहीं देना है? क्योंकि साउथ में कांग्रेस भी गायब है और लगभग बीजेपी भी गायब है। बीजेपी अब लोकल लोकल पार्टियों के साथ मिलकर के अपने के रिवाइवल की या रीस्ट्रक्चरिंग की कोशिश कर रही है, पर साउथ की पॉलिटिक्स आपके हिसाब से ज्यादातर उन लोगों के इर्द गिर्द है जो रीजनल पार्टीज हैं। लोग फिर फैसला किन बेसिस पे करते हैं? जो उनको थाली उसको में रोटी आप देता है, रोज 1 मिनट, जो थाली में रोटी देता है, रोजगार देता है, महंगाई कम करता है, उस बेस पर, या टेलीविजन द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर? गलत गलत फहमी आपको, ऐसे टेलीविजन का इन्फ्लुएंस नहीं होते। क्योंकि संतोष जी, ये चारों देश में, मैं तब मेरा वर्णन शुरू करने के पहले आपको ये भूमिका बनाया, फाउंडेशन लिटरेसी रेट है, ये पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं। सेकंड, सिनेमा का इन्फ्लुएंस अभी के संतोष जी, सिनेमा का इन्फ्लुएंस बहुत ही गहरा में जाते हैं। जो भी वर्णन करना हो आपको, मैं याद करना चाहते हैं, अभी पिछले 2 दिन पहले, अभी तमिलनाडु केरला पुदुचेरी में चुनाव होने वाले हैं, आपको सुनने में सुख जाएगी। आपने जो आजकल MGR को गाना है ना जी, नौले नमदे नौले नमदे, ऐसे गाना अभी भी चलते हैं, जितना भी पुराना गाने 50 साल का, वो गुनगुनाते हैं मुंह पर मामा मामा करके, क्योंकि उतना पॉपुलर है MGR। अभी अभी वो दे जो भगवान मानते हैं उसको, सिमिलरली एन टी रामाराव का। जितना भी बुजुर्ग उम्र है, पुराना टेलीविजन देखते हुए, तो उनके पूर्व पिताजी माताजी, नहीं तो बहन जी, कोई बुजुर्ग लोग कहने में वो परंपरा में आ जाते हैं, उसको खून में पकड़ जाते हैं। जो MGR का जो गाना है वो गुनगुनाते हैं अभी भी, जो स्नान करने टाइम पर, कोई लिखने टाइम पर, कोई फ्री टाइम पर, बात करने टाइम पर, जो जयललिता का दृश्य थे, ब्यूटी थे। लेकिन आपको जो जानकारी होने में मुझे खुशी होते हैं, वो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, वोटर्स इतना इजीली खरीद नहीं सकते। दो 1,000 2,000 रुपया देते हैं वोट डालने टाइम पर भी, वोट को पैसा भी लेते हैं, लेकिन अपना इच्छा से वोट डालते हैं। ओके तो मैं फिर एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि हम जिन दो स्टेट्स का आपने नाम लिया, एमजीआर की स्टेट्स का और एनटीआर की स्टेट्स का, आंध्रा और तमिलनाडु, इनके जो वारिस हैं उनके पास तो पावर दोनों जगह नहीं है। एमजीआर को दो लोगों ने क्लेम किया, जिसमें से नहीं, एमजीआर को तो शशिकला जी ने ही क्लेम किया लास्ट में, शशिकला नहीं, जानकी रामचंद्रन, जानकी जयललिता, राम नहीं, जानकी जानकी राम, राम तो जानकी रामचंद्रन को तो लोगों ने साइड में कर दिया, जयललिता को मान लिया उनका वारिस,
और यहाँ पर आंध्रा में एनटीआर का वारिस उन्होंने चंद्रबाबू को मान लिया, उनके बेटे फिल्मों में है, उनकी पत्नी भी नहीं आ पाई। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि उनके यादों को अभी तक लोग याद करके वोट देते हैं, या इन लोगों ने कैसा काम किया जिनमें चंद्रबाबू भी शामिल हैं और जयललिता के शिष्य भी शामिल हैं, क्योंकि अब जयललिता भी हमारी बीच में नहीं है, उनकी जगह कौन वहां पे लीडर है। एक दूसरा, ये सिनेमा का इन्फ्लुएंस इतने इतना ज्यादा क्यों है कि इनका क्या नाम है तमिलनाडु हो या आंध्र हो, अभी आपने नाम लिया कि रजनीकांत आ रहे हैं राजनीति में, वो उन्होंने कोई पॉलिटिकल फिल्म बनाई है उसके बेस पे वो अपने को क्लेम कर रहे हैं, या ये मान के कि उनका स्टारडम उन्हें वोट दिलाएगा इसलिए वो आ रहे हैं? नहीं, उनकी है जो मैंने शुरुआत में किया था, अब एक एक पिक्चर में आपने पूछा था उसके मैं जवाब देना चाहता हूँ। रजनीकांत शुरू में, अभी हमारा बीच में है, उसको उदाहरण ले लीजिए, 150 फिल्म में वो पब्लिक का अट्रैक्ट करने के वास्ते संतोष जी, जो आपको उत्तर भारत लोगों के लिए खुशी हो जाएगी मेरी बात सुनने में, जो फेसबुक में अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उसको भी खुशी हो जाएगी, उनकी है ना जी 150 फिल्म में संतोष जी वो कभी दारू नहीं पीता है, कभी स्मोक नहीं करता अच्छा। है, कभी मछली नहीं खाते हैं, अच्छा पढ़ाई करते हैं, वो रिक्शा को खींच के जाते हैं, जो उनकी जो भावना है पब्लिक में जुड़ती है, जो देखो एमजीआर देखने में उसको भगवान मानते हैं, एमजीआर को पिक्चर को कभी कभी आप फोटो देखा होगा उसको ऊपर दूध को अभिषेक करते हैं, दूध डाल करके कर्पूर दिखाते हैं, पूजा करते हैं, कितना पागलपन है, क्यों? वो उनकी मैसेज है ना जी सिनेमा में, वो मैसेज इंपॉर्टेंट है। वो सपोज आप सिगरेट पी करके जाओगे, आपको सिगरेट को खींचेगा, जो थप्पड़ मारेगा, भाई आपको तबीयत क्यों खराब कर रही हो करके, तो ये पब्लिक में इंटरेस्ट जाते हैं। वो गाना में भी ये फीलिंग्स आ जाती है, बोली में भी फीलिंग्स आ जाते हैं, डायलॉग में भी फीलिंग आ जाते हैं, तो देयरफॉर ये पब्लिक में खून में जुड़ जाती है ये। पर ये मुझे बताइए ना कि ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि साउथ में जुड़ जाती है, लेकिन नॉर्थ में जितने फिल्मों के लोग आए पॉलिटिक्स में वो सब तो एक तरह से असफल हुए, जो भी नाम लीजिए, वो चुनाव भी हारे और उन्होंने कोई बड़ा कमाल का काम किया हो ऐसा भी नहीं है। तीन ही चार पांच एक्टर्स आए जिन्होंने अपनी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उनको कोई अभी जानता भी नहीं है। कुछ लोग हैं चूंकि नॉर्थ में घूमते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा है, राज बब्बर है, इन्हें लोग जानते हैं, लेकिन बाकी इनके पहले जो लोग आए थे उन्हें लोग याद भी नहीं करते, जानते भी नहीं है, बल्कि मेमोरी से भी गायब हो गए हैं। नॉर्थ में और साउथ के लोगों में इतना दिमागी फर्क क्यों है? बोलने में गुस्सा नहीं होना चाहिए आपने मैं सीधी बात कहूं, सच्चाई हाँ, बोलूं जी, पढ़ाई लिखाई कम है, इसी के वास्ते आप मानती जाइएगा इलाहाबाद में अमिताभ बच्चन जीतते थे, एक दो साल भी नहीं थे एमपी, वो सीफा दे करके किया है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में सिनेमा सिर्फ बॉम्बे में सीमित है, सिनेमा इंडस्ट्रीज को सिर्फ बिहारी नहीं तो पंजाबी नहीं तो जो महाराष्ट्रियंस कंट्रोल करते हैं, नॉर्थ में तो 15 देश है राजनीतिक में, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से कौन सिनेमा एक्टर है, उत्तर प्रदेश से लोकल हो सकता है लेकिन मशहूर कौन है, तो बॉम्बे में शरण हो गया है सब लोग, तो इसी के वास्ते डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन साउथ इंडिया में ऐसे नहीं है। साउथ इंडिया में पूरी की पूरी मद्रास कर्नाटका केरला आंध्रा में जमा हुए हैं, लिटरेसी रेट इम्पॉर्टेंट है, आजकल लिटरेसी रेट में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत है, उनकी जो स्वच्छता बहुत है, जो क्लीनलीनेस डेवलपमेंट बहुत है आजकल जो साउथ इंडिया में, उसको भी दूसरी श्रेय में देना चाहता हूँ, मंदिर बहुत है साउथ इंडिया में, ये मंदिर के वास्ते पॉलिटिक्स शुरू हो जाते हैं,
उधर कम से कम तमिलनाडु में देखोगे 1 करोड़ मंदिर गिन सकते हैं संतोष जी, हर गली में हर कोने पर मंदिर है। उसके कारण दूसरा है, मैं दूसरा शो में मैं कहना चाहता हूँ, ईवी रामस्वामी नायकर राम भगवान राम का मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जूता मारा था, उसीलिए हर गली में एक एक राम मंदिर हो गया। तो वो पुराने राजनीतिक चीज है, वो अलग है, लेकिन आपको क्वेश्चन तो मैं दोहराना चाहता हूँ, उसको उत्तर देना चाहता हूँ। तमिलनाडु में, आंध्रा में, केरला, कर्नाटका में क्यों इतना सिनेमा मशहूर है, लिटरेसी रेट काफी है उधर, ये बात। राजगोपालन जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में है कि उत्तर भारत में पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म की बहस और पार्टियां इसके ऊपर अपना एम्फेसिस रखती हैं, जिस तरीके से नॉर्थ में हिंदू मुसलमान टेंशन को एक वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी पार्टियां करती हैं, जातियों के कॉन्फ्लिक्ट को वोट के लिए इस्तेमाल करती हैं, इसका साउथ में हिंदू मुसलमान या वहां का जो कास्ट सिस्टम है जिसमें मुझे नहीं पता कि ब्राह्मण्स के अलावा जो बैकवर्ड इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अब तक तो बहुत सालों से वहाँ बैकवर्ड पॉलिटिक्स ही चल रही है तमिलनाडु में, जो मुझे सुनने में आता है। मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड पॉलिटिक्स और ये जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, ये इसका कितना असर है वोटिंग में या पावर को कैप्चर करने में? पावर का कैप्चर करने में मुसलमान फैक्टर नहीं है ऑल ओवर चारों देश प्रदेश में, क्योंकि संतोष जी जैसे मैंने न्यूज़पेपर को बोला है 40 न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट है पूरा सदन 6 राज्य में, सिमिलरली कम से कम 5 नहीं तो 6 मेजर अपर कैस्ट है, लोअर कैस्ट तो 50-60 नंबर है, लेकिन तमिलनाडु में आरक्षण है 1950 में शुरू हो गया, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था, जो आरक्षण तमिलनाडु में 1960 में 1960 में शुरू हो गया था। टोटली ब्राह्मण तो 1% भी नहीं है तमिलनाडु में। जो ईवी रामस्वामी नायकर ने क्या किया है, पेरियार सारा ब्राह्मण का भगा दिया है, इसीलिए तो यूपी में आप देखोगे पुराना जमाने पर बहुत तमिल लोग, केरला लोग आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर में आया होगा, जो उत्तर प्रदेश का बिहार का चीफ सेक्रेटरी थे, कम से कम मद्रासी लोग तो 15-20 में गिन सकता हूँ, बिल्कुल जय कल्याण साहब थे, कृष्णन साहब थे, प्लस यू नो सो मेनी पर्सन, क्योंकि वो तमिलनाडु से भाग के आ गया आरक्षण नहीं है करके, आईएएस में पास हो गया, आईपीएस में पास हो गया, पत्रकारिता में आ गया, उसको मेजर उदाहरण मैं खुद हूँ, मैं भी बाकी 70 से आ गया इधर। सो देयरफॉर जो उनमें कैस्ट फैक्टर बहुत है, मुसलमान तो फैक्टर तो हिंदू मुस्लिम तो है नहीं है उधर, हिंदू मुस्लिम आजकल हो गया है, यानी 1952 के बाद 85 के बाद हुआ है, उसको पहले कोई मेरा रिपोर्टिंग टाइम पर ऐसे नहीं था, हिंदू मुसलमान का रिएक्शनिज्म नहीं था उधर रेडियार। अभी अम्मा अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम लोग जिस टाइम पे बातचीत कर रहे हैं इस समय, हिंदू मुस्लिम डिवीजन, माइंड के डिवीजन का क्या हाल है उधर? है नहीं है ऐसे कुछ चीज नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं है, जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान को नहीं मानते वो टुकड़ा बना हुआ है, दो टुकड़ा, लेकिन देयर इज नो हिंदू मुस्लिम फैक्टर। आजकल शुरू हो गया है, आजकल नॉर्थ इंडिया को नकली करने शुरू हो गया है, जो 1984 में दंगा हुआ था इसलिए जो कम से कम 300 सरदार मरे थे कोयम्बतूर में, क्योंकि उधर भी भाग गया था सब लोग। अभी दक्षिण भारत में नॉर्थ इंडियंस बहुत जुड़े हुए हैं, जिधर भी जाओगे एक नॉर्थ इंडियन मिलेगा उधर। जी, अब मैं आपसे आखिर में जो सवाल पूछता हूं कि आप जितने पॉलिटिकल लीडर्स से आप संपर्क में आए, उन सारे 2 हों 4 हों 6 हों 8 हों, उनमें सीरीज के हिसाब से आपको देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन लोग लगे जिन्होंने कंट्री के बारे में सोचा? आपने ऑल इंडिया लेवल पर पूछ रहे हैं, साउथ इंडिया में पूछ रहे हैं?
मैं ऑल इंडिया लेवल पर जिसमें साउथ शामिल है। साउथ शामिल है, मुझे लगता है पीवी नरसिम्हा राव का श्रेय जाते हैं, नंबर एक। वो सचमुच राजनीतिक रूप में बहुत उभर के आया है। सपोज 100 में 100 मार्क देना चाहते हैं, मैं पीवी नरसिम्हा राव का साहब अटल बिहारी वाजपेयी का 80% 90% मार्क देख सकते हैं, जो दो श्रेय पकते हैं। जो आजकल देखोगे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे साउथ इंडिया में, मुझे लगता है अन्नादुरई ने अच्छा किया है, सीएन अन्नादुरई ने, राजा जी ने बहुत अच्छा किया, सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी ने, जो उसको नाम पर उन्होंने खुद उनके मेरा नाम उनके नाम लगाए थे, सो सी राजगोपालाचारी का श्रेय जाते हैं। तो वो लोग बहुत ही विद्वान थे, टॉल लीडर्स थे, देश के बारे में सचमुच विकास के बारे में सोच रहे थे। जो मुझे वर्णन करना चाहते हैं, जो आजकल सी राजगोपालाचारी का आप देखोगे नरेंद्र मोदी गुणा 5, मैं कह रहा हूं उस टाइम पर भी उन्होंने इतना तेज थे, तो वो लोग टॉल लीडर्स थे। कामराज भी काम किया है नो डाउट, सी एन अन्नादुरई ने भी किया है, जयललिता ने बहुत किया है, एन टी रामाराव ने बहुत किया, जयललिता ने किया इसलिए तो 5 बार वो मुख्यमंत्री बन गई थी, एन टी रामाराव 4 बार मुख्यमंत्री बन गया था। लेकिन तमिलनाडु में लिटरेसी रेट बहुत है, सो देशभक्ति भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है। जो देश आंदोलन में, जो आबादी का स्वतंत्रता आंदोलन में साउथ से पार्टिसिपेशन 80-90% है संतोष जी। जी जी जी। अब जो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आखिरी से पहले वाला सवाल, वो सवाल ये है कि दो लीडर हैं इस समय देश में, एक तरफ नरेंद्र मोदी अमित शाह हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं या क्या कहते हैं सोनिया गांधी हैं या प्रियंका गांधी हैं, इन दो खेमों का कितना असर आप दक्षिण भारत में देख रहे हैं? मुझे दक्षिण भारत में, मैंने शुरू में किया था 8 रीजनल पार्टी से क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल को गंदे में बैठ करके ये दोनों पार्टी चलते हैं उधर। देयरफॉर आपने खुद बोला, मेरा जवाब को आपने उत्तर दे दिया है, दक्षिण में कांग्रेस तो सफाई हो गया है, बीजेपी तो सिर्फ कर्नाटका में है, आजकल तमिलनाडु केरला में जो दम पकड़ रहे, तो क्यों नरेंद्र मोदी के वास्ते प्लस ये राम मंदिर को जोड़ में वास्ते, राम मंदिर ने तमिलनाडु में आक्रोश को बढ़ाया है, क्योंकि उधर हिंदू फीलिंग बहुत है, नेचुरली उधर बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी का श्रेय आजकल उधर बहुत पकड़ने जा रहे हैं, क्यों दूसरा बार नॉर्थ इंडिया में आ गया, क्षेत्रीय दल जो भी तेलुगु देशम है, एडीएमके है, डीएमके है, सीपीएम जो दूसरी है, वाईएसआर कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी का, ये सारा नरेंद्र मोदी का जरूर देखते हैं, जो चांद देखते हैं, सूर्य देखते हैं, उसको साथ जाना चाहते हैं विकास का, क्योंकि रिजर्व बैंक एक ही है, पैसा उधर से आना है। देयरफॉर नरेंद्र मोदी का विकास यात्रा में शुरू किया है। लेकिन कांग्रेस को वर्णन करने जाते हैं, कांग्रेस ने रीजनल पार्टीज को घूस करप्शन करने के लिए हरी झंडे दिखा दी, इसीलिए तो 2G लूट किया है डीएमके ने, जो 1,75,00,00,00 रुपया का जो विनोद राय साहब ने जो वर्णन किया था 2G में लूट का, जो उसमें 50% तो सच्चाई होते हैं। तो कांग्रेस ने कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दी इसमें, आपको पता है सारा चीज, हम क्यों उसको वर्णन करने जा रहे, वो कोर्ट तो अभी रीओपन कर रहे केस का, अभी जो रोज डीएमके धक्का खा रहा उधर, हमेशा कोर्ट का जो जैसे तर्क रखते हैं उतना कोर्ट जवाब देते हैं, जो वन साइडेड आप देखोगे कोर्ट वन साइडेड डिमांड देगा। तो देयरफॉर जो आपने केस किया, कांग्रेस करप्शन को भड़काया है, नरेंद्र मोदी करप्शन को कम कर रहे हैं, इसीलिए जो भी क्षेत्रीय दल है, 8 क्षेत्रीय दल है तमिलनाडु केरला आंध्र कर्नाटका में, वो नरेंद्र मोदी का
इम्पोर्टेंट मान करके जाते हैं, उसको पीछे है क्योंकि वो विकास है, करप्शन 6 साल में करप्शन नहीं किया करके उसको पीछे सब लोग जाते हैं। आप नॉर्थ का भी जर्नलिज्म इस समय देख रहे हैं और नॉर्थ के न्यूज चैनल्स ने जो ओवरलैप किया है, ओवरशैडो किया है न्यूज़पेपर्स को, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दो एक सीमा आ गई है शायद न्यूज न देने की, कि जिसमें दो चैनल एक दूसरे का नाम लेकर के गाली गलौज कर रहे हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए आपको फ्यूचर में अगले मैं क्या कहूँ 6 महीने या साल भर का, आपको मीडिया की दिशा क्या लगती है? क्या मीडिया सचमुच इस तरीके से बटेगा या मीडिया अपने बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा? और ऐसे जर्नलिस्ट अभी हमारे बीच में हैं, मैं आप ही का नाम लेता हूं, आर राजगोपालन जैसे लोग जो 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 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जर्नलिज्म के, उनको याद करके अपनी रिपोर्टिंग करेंगे, या जिस तरह टेलीविजन में जूता पंजार हो रही है, आपने अभी थोड़ी देर पहले बीच में मैं आपसे बात कर रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, आपने कहा कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, क्या पूरा मीडिया कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगेगा? आपसे मैं कमेंट चाहता हूं इसके ऊपर, ये आखिरी सवाल है। जो संतोष जी आपको पता होगा, लेकिन जो फेसबुक में मेरा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम देखने वाले दर्शकों को मैं देने में खुशी होते हैं, जो मेरा जनरेशन का पत्रकार है संतोष जी, जो प्रिंट भी देखा, टेलीविजन भी देखा, वेब जर्नलिज्म देखा, डिजिटल मीडिया देखा, आजकल आपको साथ जो कंप्यूटर में जोड़ रहे, मोबाइल जर्नलिज्म मोजो कहते हैं फेसबुक में, ये भी देखा, ये सारा का सारा ये थ्रेड है, ये रस्सी है, सिर्फ मेरा जनरेशन है उसमें, जो बाकी उसको मैं दोषी ठहरता हूँ, जो पत्रकारिता में टुकड़ा बना है वो दोषी मैं सिर्फ राजनीतिक रूप में प्लस डिजिटलाइजेशन के रूप में, जो तब डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ है संतोष जी, मान के जाओ पिछले 10 साल से 15 साल से तब टेलीविजन शुरू हुआ था, धीरे 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 मैं पत्रकारिता शुरू किया था उस टाइम पर 20-25 पत्रकार थे, मशहूर पत्रकार थे, आजकल हम बोलने में खुशी तो होते हैं लेकिन इंडिया को आबादी 135 करोड़ है, आजकल 135 करोड़ पत्रकार है, आजकल 135 करोड़ फोटोग्राफर है, आजकल 135 लोग फेसबुक में अपना अपना डालते हैं, तो कोई एक खेल का कोई कंट्रोल नहीं है, ये मुझे लगता है ये दौड़ भूड़ करके फिर वाटर फाइंड्स लेवल, जैसे जल है अपना जो सीमा पकड़ती है, ऐसे 10-15 साल और लगेगा, लेकिन मुझे दुख के साथ मैं कह रहा है पत्रकारिता को आजकल रूप देखने में, जो इंडस्ट्रियलिस्ट रियल एस्टेट लोग ऐसे लोग पत्रकारिता में आ करके 100 करोड़ डाल दो, 400 करोड़ खींच लो, जो अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाओ, एमपी एमएलए बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, राष्ट्रीय जो स्थापना कर देंगे राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज का, उसको अलावा डिजिटलाइजेशन में इंडिया में पत्रकारिता तो 135 करोड़ का पत्रकार है आजकल, सब लोग अपना ट्विटर डालते हैं बैठ करके, खबर फेक खबर न्यूज हो जाते हैं, फेक न्यूज इसीलिए शुरू होते हैं, पहले जो प्रेगनेंसी था न्यूज का 24 घंटे थी, आजकल ऐसे हो गया है, पहले जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट करते थे मैं बाहर आकर के अगले दिन सवेरे पेपर पढ़ते थे, लेकिन आजकल जो पार्लियामेंट में लाइव शुरू कर दिया है सब लोग, ये मैं दुखी के साथ कह रहे हैं पत्रकारिता में टुकड़ा है, और आने वाले 10-15 साल में 5G टेक्नोलॉजी बहुत हो जाएगा ना संतोष जी, 5G 6G आने लगेगा, जो हमारा जो बच्चे पोता पोती देखने टाइम पर 2030-2050 में मुझे लगता है सब लोग 5G डिजिटल होने के बाद पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। सो नाइस ऑफ यू, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और जो दर्शक हैं उन्हें भी समझ में आई होगी दक्षिण की पत्रकारिता, दक्षिण की राजनीति बहुत विस्तार से आर राजगोपालन जी ने बताया, और उत्तर का फर्क भी आपकी समझ में आया। मैंने उनसे काफी
ऐसे सवाल पूछे जिन सवालों का उन्होंने साफ उत्तर दिया, और कुछ सवाल मैं नहीं पूछ पाया क्योंकि मैंने शुरू में इनसे कहा था कि बहुत सारी चीजें होंगी जो छूट जाएंगे। पर आर राजगोपालन जी, हम आपको फिर तकलीफ देंगे, और जो मेरे छूटे हुए सवाल हैं और बहुत सारे वो सवाल जो इस प्रोग्राम को देखने के बाद दर्शक हमें भेजेंगे, उनके ऊपर हम आपसे फिर से एक बार बातचीत करेंगे, आपको तकलीफ देंगे। आपको इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम को नमस्कार। समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार।